डेटा माइनिंग में डेटा रिडक्शन की जो टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू इट्स रिड्यूस्ड फॉर्मेट। अब जब भी हम डेटा रिडक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज कॉल्ड डेटा क्यूब एग्रीगेशन। अब यहां पे दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म जो है दैट इज डेटा क्यूब और जो दूसरी टर्म है दैट इज एग्रीगेशन। डेटा क्यूब से मुराद क्या है? डेटा क्यूब से मुराद ये है कि वी वॉन्ट टू स्टोर आवर मल्टी डायमेंशनल डेटा इन अ इंटीग्रेटेड फॉर्मेट। इससे मुराद क्या है कि लेट से अगर हमारे पास एन डायमेंशनल डाटा है तो उसे हम कैसे एक इंटीग्रेटेड कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर करेंगे। और दूसरी टर्म थी एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है समराइज्ड, यानी कि जो हमारे पास डाटा नजर आए वो क्यूब के फॉर्म में होगा। क्यूब से मुराद क्या है कि वो मल्टी डायमेंशन की फॉर्म में होगा, और एग्रीगेटेड से मुराद क्या है कि वो हमें समराइज्ड व्यू दे रहा होगा। अब ये जो दोनों चीजें हैं इससे हमें फायदा क्या होगा कि जो हमारे पास डेटा की रिप्रेजेंटेशन बनेगी, नंबर वन वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, जिसके अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक क्यूबिकल फॉर्म में होगी, एक क्यूब की फॉर्म में होगी, यानी कि मुख्तलिफ डायमेंशन में मुख्तलिफ टाइप का डेटा नजर आ रहा होगा। और फिर उस क्यूब की मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हाइएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे है और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे है। अच्छा, अब हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन या लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की वजह से हमें फायदा क्या होगा कि हमें अपने एट्रीब्यूट्स सिलेक्ट करने में आसानी होगी। इससे मुराद क्या है? एट्रीब्यूट से मुराद ये होगा कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स से कि हम एक स्टोर की सेल्स परचेज कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं प्लस उसकी ईयरली सेल या परचेज देखना चाह रहे हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जो हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं और कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जो हमारे लिए अहमियत के हामिल नहीं है। और क्या ये हमेशा ये चीज चलेगी? इसका आंसर यह है कि जरूरी नहीं, हो सकता है कि कुछ केसेस में हम सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को अहमियत दें। अब हमारे पास जो क्यूब्स बनेंगे उसके तीन किस्म के हम क्यूबाइड्स या क्यूब्स कह सकते हैं, जिनमें पहला जो है वो बेस क्यूबाइड है। बेस क्यूबाइड क्या होगा? जो लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे होगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का जो क्यूबाइड है दैट इज कॉल्ड एपेक्स क्यूबाइड। और फिर जो इनके दरमियान जो क्यूबाइड्स हैं वो सब हमारे पास इंटरमीडिएट क्यूबाइड्स या क्यूबाइड्स कहलाते हैं। अब इन डेफिनेशंस को एक हम एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास डेटा है एक स्टोर का, और ये जो डेटा है बेसिकली वो हमारे पास क्वार्टरली फॉर्मेट में मौजूद है। क्वार्टरली फॉर्मेट से मुराद क्या है कि अगर हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लें, लेट्स से हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक स्टोर है लेट्स से, और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्वार्टर्स हैं, लेट्स से क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर। और इसकी जो सेल्स है वो है लेट्स से कि फर्स्ट क्वार्टर में 1.5 मिलियन, देन 1.4 मिलियन, देन 1.3 मिलियन और फिर 1.7 मिलियन। और ये जो डाटा है लेट्स से ये है 2015 का। उसके बाद हमारे पास डाटा सिमिलर इसी तरह है Q1, Q2, Q3 और Q4। और यहाँ पे अगेन 1 मिलियन, 1.2 मिलियन, 1.3 मिलियन एंड सो ऑन। और ये डेटा है 2016 का। इसी तरह 2014 का, 17 का हमारे पास डिफरेंट डेटास मौजूद हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जो डेटा है इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्वार्टर्स पे फोकस करना पड़ा। तो जो एग्रीगेशन है या जो क्यूबाइड का कंसेप्ट है, अगर हम उसे अप्लाई करना चाहें तो हम सिंपल क्या करेंगे, और अगर हमारे पास डेटा जो है लेट्स से वो है 2013 से 16 तक, यानी कि इससे पीछे जो है हमारे पास 2014 का है और उससे पहले 2013 का है, तो ये चार हमारे पास क्वार्टर वाइज डाटा मौजूद है। तो जो क्यूबाइड या एग्रीगेशन या डाटा क्यूब है वो क्या करेगा, वो एक नया टेबल हमें देगा जिसके अंदर जो डाटा है हमारे पास वो यूं आ रहा होगा ईयर 2016 यस, और उसमें हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी, वो इनको मर्ज कर देगा सबको। जैसे वो ये कहेगा कि 2016 में कितनी सेल हुई, 2015 में कितनी सेल हुई, लेट्स से यहां 6 मिलियन, यहां 5 मिलियन, यहां पे कितनी हुई, और फिर 2013 में कितनी सेल हुई, लेट्स से ये 4.5 मिलियन, ये 4 मिलियन एंड सो ऑन। तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं कि डाटा को एग्रीगेट कर रहे हैं। एग्रीगेट से मुराद क्या है कि जो उनके इनर कंपोनेंट थे जैसे यहाँ पे जो क्वार्टर्स थे इन सबको मर्ज करके यहाँ पे हमने स्टोर कर दिए। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एग्रीगेशन की टाइप है। अब इसी तरह लेट्स से कि मैं एक स्टोर का डाटा लेता हूं और उसकी मदद से मैं ये एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज बेस क्यूबाइड, व्हाट इज एपेक्स क्यूबाइड और फिर क्यूबाइड्स इटसेल्फ क्या है। इसके लिए लेट्स से कि मुझे एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी।
वो ये है कि हमारे पास एक टेबल है लेट्स से इस फॉर्म में, जिसके अंदर मैं पहले थोड़ा सा कुछ ड्रा करता हूँ वैल्यूज। और यहाँ पे मेरे पास ईयर्स हैं, लेट्स से 13, 14, 15 और 16, ये हमारे पास ईयर्स हैं जिसका हमने डाटा शो करना है। और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हमारे पास आइटम्स हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ मोबाइल फोन्स, अगर एक स्टोर है जो मोबाइल फोन्स वगैरह में काम करता है, सीडीज, लैपटॉप्स और देन कंप्यूटर्स, एक स्टोर है जो ये चीजें सेल करता है। अच्छा, उसके बाद ये जो स्टोर है इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, लेट्स से वो जो ब्रांचेज हैं वो मैं यहाँ पे शो करता हूँ। मैं कहता हूँ जी एक ब्रांच है ए, एक ब्रांच है बी, एक ब्रांच है सी, एक डी, लेट्स से एक लाहौर में, एक कराची में और मुख्तलिफ शहरों में, उनको मैं ए बी सी डी कर देता हूँ। अब हम शो क्या करना चाह रहे हैं, अब हम ये कहते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पे अगर हमने वैल्यू लिखी 50, यहाँ पे वैल्यू लिखी 150, यहाँ पे लिखी लेट्स से 750, 100, 200 एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये हमें क्या चीज़ बता रही है, अच्छा ये जो था हमारे पास ईयर था, ये हमारे पास आइटम की टाइप थी जो आइटम्स हमारे पास सेल हो रहे हैं, और ये हमारे पास ब्रांचेस थी। तो ये जो क्यूबाइड है बेसिकली, और अगर इसको हम यूं कंप्लीट कर लें इस फॉर्मेट में, तो ये जो क्यूबाइड है बेसिकली ये हमें क्या बता रहा है कि जो हर सेल है, ये वाला सेल जो है, ये हमें तीन चीजें बता रहा होगा कि ईयर वाइज, उसके बाद कंप्यूटर वाइज और ब्रांच वाइज, कि ये कौन सी कंप्यूटर्स की पर्टिकुलर ब्रांच पे, इस ब्रांच पे लेट्स से ये 100 को अगर हम लें इसको, तो कंप्यूटर की ब्रांच ए पे 2013 में क्या सेल हुई। अच्छा, अब ये जो इंडिविजुअल सेल है इसको हम कहते हैं बेस क्यूबाइड। बेस क्यूबाइड से मुराद क्या है, इंडिविजुअल आइटम की प्राइस, जैसे ये 150 जो है, 150 जो है ये सीडीज की प्राइस है, ये है बेस क्यूबाइड। ये क्या है, बेस क्यूबाइड, जो इंडिविजुअल आइटम की प्राइस होगी। अच्छा, अगर हम इन सारों वैल्यूज को एड अप कर लें सब की सबको, यानी कि हम ये कहें कि एक पर्टिकुलर स्टोर की आज तक की क्या सेल है, लेट्स से हम उसे कहते हैं 500,000 लेट्स से, तो ये होता है हमारा एपेक्स क्यूबाइड। अच्छा, अब क्या हुआ, हमारे पास ये बेस क्यूबाइड हो गया, एपेक्स क्यूबाइड हो गया, बाकी हमारे पास जितनी ये रोज और कॉलम्स वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो ये सब हमारे पास क्यूबाइड्स होंगे। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये जो इस तरह की हमारे पास ये वैल्यूज बन रही है, जो सेल्स और रोज कॉलम्स बन रहे हैं, इन सबको हम कहते हैं लेटिसेस ऑफ क्यूबाइड्स। इनके लिए क्या हम वर्ड यूज करते हैं, लेटिस। अब ये लेटिस हमारे पास क्या शो कर रहा है कि जो हमारे पास डेटा सेट्स हैं, डेटा वैल्यूज हैं, उनकी प्रेजेंटेशन हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ क्यूब क्या है, और उन क्यूब्स को हम क्यूबाइट्स का वर्ड दे रहे हैं। और इनसे हमें क्या फायदा हो रहा है कि हमें पता है कि लोएस्ट लेवल पे वैल्यू क्या है, जैसे मैंने भी बताया 200, 100 और सोन, हाईएस्ट लेवल पे क्या है, वो एक वन वैल्यू होगी, और ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, और ये चीज जो कनेक्शन आपस में बता रहा है, दैट इज डन थ्रू लेटिसेस।